से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू जग से प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कुछ लोग यूट्यूब में बार बार लिखते हैं, हम तो कैथोलिक थे लेकिन अभी तो हम लोग कलीसिया छोड़ दिया है, नया कलीसिया में आया। एक व्यक्ति हाल ही में मुझसे एक सवाल किया। सवाल यह है, आप तो बोल रहे हैं हमारा बाइबल सही है, हमारा कैथोलिक कलीसिया ही बाइबल बनाया है और आप लोगों ने बाइबल नहीं जोड़ा और पेंटेकोस्टल कलीसिया ने छोड़ा है। बोलता है आप कुछ भी बोलो, आप लोग झूठी बोलता है। आप लोगों ने बाइबल जोड़ा है, आप लोग बाइबल के अनुसार नहीं जीते हैं, सही पेंटेकोस्टल कलीसिया है। मैं आज के इस क्लास में कैथोलिक लोग में कैथोलिक था, अब मैं दूसरा कलीसिया में जो बोलने वाले लोग उनसे एक सवाल कर रहा हूं, आप इस कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके क्या क्या नष्ट किया? जैसे उस भाई ने लिखा, आप कुछ भी बोलो, आप झूठा है, हम सही है, बस लास्ट फाइनल डिसीजन उनका। मैं अगर कुछ भी बोलो वो सब गलत है। ये जो 40,000 गुट जो अपने अपने नाम से जो बनाया, यदि मैं भी आज कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके अभी मैं अपने मर्जी से सिखाना शुरू करूंगा, मैं सही हो जाएगा। मैं अब कैथोलिक कलीसिया में रह करके कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा दूंगा तो मैं झूठा है। संत बापा से लेकर के सब लोग झूठा है, गलत बोल रहा है, हमारा बिल्कुल सही नहीं है। जो कैथोलिक कलीसिया को छोड़ करके अपना कलीसिया जब बना करके जो अपना तरीके से सिखाना शुरू कर दिया वो सब सही हो गया, वाह। तो जो लोग कैथोलिक कलीसिया छोड़ा है उनको मैं कुछ बातें, बहुत बातें हैं इन, कुछ तो बातें आप लोग सोचने के लिए थोड़ा मैं मजबूर कर रहा हूं। यदि आप मुझे देख रहा है, सुन रहा है, तो आप अपने अंतकरण की थोड़ा जांच करना और इसका उत्तर देना। हाँ, अगर टिप्पणी लिखना है तो आप टिप्पणी भी लिख दीजिए, स्वागत है। सबसे पहला, बाइबल के अंदर, आपके बाइबल के अंदर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर वाक्य 18-19 इन वचनों में क्या ईसा मसीह ने पेत्रुस से कहा, मैं एक कलीसिया बनाऊंगा, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर सामने टिक नहीं पाएगा, और मैं तुम्हें कलीसिया का, स्वर्ग राज्य का कुंजी प्रदान करूंगा, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। एक भाई ये भी लिखा है, कुंजी पकड़ करके उधर ही खड़े रहेगा लेकिन कोई कातिल के उधर आने वाला नहीं है, कुंजी पकड़ करके खड़े रहेगा बोलता है। सुनने के लिए कितना मजा आता है, ऐसे ही पढ़ाता होगा हम लोग, ऐसा पढ़ाता होगा। तो मेरा सवाल यह है, आप अपने बाइबल, अभी कैथोलिक की बाइबल को फेंक करके जो बाइबल पकड़ा है उसके अंदर है कि नहीं? इसका मतलब है ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया। मैं इससे पहले भी एक सवाल किया था, आपका कलीसिया किसने बनाया, ये उत्तर दे दीजिए। बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया और ईसा मसीह ने कहीं भी नहीं कहा तुम जाओ और कलीसिया बनाओ, ईसा मसीह ने नहीं बोला। ईसा मसीह ने बोला इस कलीसिया से जुड़ करके तुम जाकर के संसार को सुसमाचार सुनाओ, इसी कलीसिया में रह करके, दूसरा कलीसिया में नहीं। इसलिए संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए कहते हैं वाक्य 8-9 के अंदर यही लिखा हुआ है,
जो कलीसिया सिखा रहा है उसके अलावा जो दूसरा कलीसिया सिखा रहा है वो झूठी कलीसिया, वो शापित लोग हैं। आप कौन सा कलीसिया से जुड़ा हुआ है? संत पौलुस ने गलाती अध्याय 1:8-9 लिखा, तब संत पौलुस इस कैथोलिक कलीसिया के विषय में लिखा, कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके रहा, पेत्रुस के अधीन में रह करके लिखा, जो हम लोग जो सिखा रहा है इसके अलावा कुछ भी सिखाएगा वो शापित है। इसका मतलब कलीसिया जो सिखाएगा उसके अलावा कुछ भी कोई भी सिखा रहा है वो शापित व्यक्ति है। आप बताइए, आप जिस कलीसिया में हैं वो कलीसिया उस पौलुस का वो कलीसिया है, पेत्रुस का वो कलीसिया है, किसका कलीसिया है? हमारे देश में संत तोमस आकर के कलीसिया स्थापित किया, वही कलीसिया भारत देश में 2000 साल से ये कैथोलिक कलीसिया है। कल के बारिश में जो खिलने वाला पौधा उसके समान खिलकर के आकर के जो 2000 साल से जो भयंकर वृक्ष बन चुका है उसको बोलता है तुम झूठा है, सही हम हैं। दूसरी बात, 382 में उससे पहले बाइबल नहीं था, उससे पहले क्या था? उससे पहले यहूदियों का धर्म ग्रंथ तनक था। यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम है तनक, बाइबल नहीं, यहूदियों का धर्म ग्रंथ का नाम तनक। वो तनक था, जैसे ईसा मसीह और शिष्य लोगों ने 46 किताबों का तनक इस्तेमाल किया, ग्रीक परिभाषा वाला जो सप्तजिंद वो वाला तनक उसको इस्तेमाल किया था, जिसको हम लोग सप्तजिंद बाइबल बाइबल बोल रहा है, क्योंकि वो ग्रीक परिभाषा ईसा मसीह ने उसको इस्तेमाल किया। ईसा मसीह ने नया विधान नहीं दिया। आपके पास 382 से लेकर के 16वीं सदी तक केवल 73 किताबों का बाइबल था। कैथोलिक कलीसिया ने इसका बाइबल नाम डाला, कैथोलिक कलीसिया ने प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया, कैथोलिक कलीसिया ने प्रिंटिंग प्रेस में बाइबल को प्रिंट करना शुरू किया। वो 16वीं सदी तक वो चलता गया। इसके बाद उस किताब को फेंक करके दूसरा किताब बनाया, वो कैथोलिक कलीसिया ने। कैथोलिक कलीसिया ने जो बाइबल 372 का रोम का जो महासभा है उसमें दिया था, तो वहां से लेकर के 16वीं सदी तक जितने भी लोग, आपको मालूम होना चाहिए पहली सहस्राब्दी में ही कलीसिया जो कैथोलिक कलीसिया दो भाग हो गया था, पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया, पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया में दो भाग हो गया था। संत पापा के अधीन से, रोमी रोम के अधीन से पूर्वी कलीसिया अलग हो गया था, जो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो पात्री है किसने अलग किया वो इतिहास सब मैंने बताया था, लेकिन उनके पास भी यही बाइबल था। बाद में फिर बाइबल में किताबें जोड़ा, जैसे ऑर्थोडॉक्स कलीसिया वगैरह में जो अधिक किताबों वाला जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स वगैरह में जो चल रहा है वो सब इतिहास में नहीं जा रहे, लेकिन 16वीं सदी में जो प्रोटेस्टेंटनिज्म कैथोलिक कलीसिया से निकल करके जो प्रोटेस्टेंटनिज्म मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू, मार्टिन लूथर ने जो किताब जो बाइबल प्रिंट किया ग्रीक परिभाषा जर्मन परिभाषा में जो ट्रांसलेट करके जो किया उसके अंदर भी 73 किताब था। मार्टिन लूथर ने भी जो किताब प्रिंट किया उसमें भी 73 किताब था। इसके बाद उससे हटाया गया। छोड़िए, आपके पास आज जो बाइबल है किसने कब बनाया, किसने ट्रांसलेट किया, कहां से ट्रांसलेट किया, 372 के अंदर इसको ट्रांसलेट करने के लिए कितना मुश्किल पड़ा उसका इतिहास पढ़ करके देखना, कहां कहां से दस्तावेज लेकर के आया,
कहां कहां से जो लैटिन वुलगाते बाइबल का ट्रांसलेशन के इतिहास को पढ़ना, तब आपको पता चलेगा। संत जरोम उनका जीवनी पढ़ना। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 18 और 19 में, प्रकाशना ग्रंथ का 18 अध्याय 22 का वाक्य 18 और 19, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 18 एंड 19 में लिखा है, इस बाइबल में, इस पुस्तिका में कुछ भी जोड़ना नहीं, कुछ भी घटाना नहीं। जोड़ने का मना है, घटाना की भी मना है। तो 16वीं सदी में उस किताब से क्यों घटाया, कोई उत्तर है? क्यों आपके बाइबल में अभी वो 7 किताब नहीं? यह नियम था, कैथोलिक कलीसिया ने बढ़ाया नहीं ना। 382 में बाइबल बना करके दिया कैथोलिक कलीसिया ने, वो 73 किताब का, 73 बुक्स का था। दूसरा, ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर, मैं एक क्लास अभी हाल ही में लिया है, यह आदेश दिया, यह मेरी स्मृति में किया करो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 19। और हम लोगों ने देखा कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस ने भी बोला, ईसा मसीह ने स्वयं मुझसे कहा, मैंने प्रभु से सुना यह प्रभु भोज के विषय में। वहां पर कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 24 में और वाक्य 25 में बार बार संत पौलुस ने लिखा है, प्रभु ने कहा यह मेरी स्मृति में किया करो। संत पौलुस इसलिए रोज परम प्रसाद का ये मिस्सा बलिदान अर्पित करता था, प्रभु भोज अर्पित करता था। प्रेरित अध्याय 2 वाक्य 46 में लिखा हुआ है, कलीसिया प्रतिदिन इसको अर्पित करता था। अभी मेरा सवाल है, आपका चर्च बाइबल के अनुसार जी रहा है या अपने मर्जी से, अपने जो लोगों का आप आदेश सुनकर के जी रहा है? क्या आपके कलीसिया में रोज प्रभु भोज मनाता है? क्या आप ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करता है? ईसा मसीह ने बोला, मेरा जो शरीर ग्रहण करेगा, शरीर को खाएगा और रक्त को पिएगा, उसे आनंद जीवन मिलेगा। क्या आपको मुक्ति मिल सकता है? प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करे बगैर क्या आपको मुक्ति मिलेगा? कैसे मिलेगा? 16 स्क्रिप्चुरा, ओनली वर्ड बाइबल, केवल बाइबल। यदि केवल बाइबल है, आप दिन भर बाइबल पढ़ रहा है तब भी आपको ये नहीं दिखाई देता, आप मिसा में अर्पित नहीं कर, पाप स्वीकार नहीं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, केवल आप बाइबल सिखा रहा है। क्या आपके पास्टर लोग ये बाइबल नहीं सिखा रहा है? क्या आपके बाइबल से ये भी हटा दिया? क्या हम घुमा फिरा करके बोल रहे? कई बार बोलता है ब्रदर आप सीधा सीधा नहीं बोल रहे, आप घुमा फिरा रहे, आप वचन को तोड़ मरोड़ रहे। बोलिए ना, यहां लिखा हुआ वचन को ही बोल रहा। 16 फिदे, विश्वास, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार होगा। आपका उद्धार कैसे होगा? उद्धार के लिए ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। उद्धार के लिए ईसा मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया, उस कलीसिया का अंग बनना है। उद्धार के लिए ईसा मसीह का शरीर का अंग बनना है। क्या आप ईसा मसीह का शरीर का अंग है? कैसे? आप तो अपना कलीसिया बना करके धंधा कर रहा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57 में लिखा है, जो मुझे कहता है उसमें मैं जीवन रहूंगा, वो मुझ में रहेगा, उसे केवल आनंद जीवन मिलेगा। क्या ईसा मसीह को रोटी और दाखरस के रूप में आप खाता है, पीता है? प्रभु भोज आपके चर्च में है? जिस चर्च में आप गया, इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया को आपने छोड़ा, आप ईसा मसीह के शरीर के अंग से कट गया। आप कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा, आप शैतान से जुड़ गया। ईसा मसीह से छोड़ दिया तो किससे जुड़ गया? शैतान से जुड़ा। सब कलीसिया ईसा मसीह का वचन सुना रहा है, कई लोग बोलता है, तो ईसा मसीह का शरीर का कई टुकड़ा है क्या?
ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया, कलीसिया एक है, कलीसिया वो पवित्र है क्योंकि ईसा मसीह का शरीर है, वो पवित्र कलीसिया है। कलीसिया का स्थापना ईसा मसीह ने प्रेरितों पर किया, इसलिए वो प्रेरिताई कलीसिया होना चाहिए। आपका कलीसिया का मुखिया प्रेरित है क्या? कौन सा संत है, कौन सा संत पापा, कौन सा प्रेरित से कनेक्टेड है आपका कलीसिया? थोड़ा बताइए, 12 प्रेरितों में कौन सा प्रेरित से? संत थॉमस ने कोई कलीसिया नहीं बनाया, वो कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके वही शिक्षा दिया। आपका कलीसिया कौन सा प्रेरित का बन गया? संत पौलुस ने भी गलातिया में, एफेसस में, कुरिंथ में, फिलिपी में, कई जगहों पर कलीसिया बनाया। वो एक ही कलीसिया था, भिन्न कलीसिया नहीं था। उसका रिपोर्ट देने के लिए गलातियों का पत्र दिया, ये 19 देख लेना, वहां हम लोग पढ़ते हैं। वो रोम आकर के रिपोर्ट देता था, पेत्रुस से मिलता था, इसका मतलब पेत्रुस से, रोम से जुड़ा हुआ था पेत्रुस। पौलुस भी किससे जुड़ा हुआ है? रोम से। रोम से आपको तो थोड़ा नफरत है, संत पौलुस बाइबल में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उस कलीसिया से नष्ट हुआ। जो 73 किताब का बाइबल आपको नष्ट हुआ कैथोलिक कलीसिया छोड़ने के कारण, अधूरा बाइबल लेकर के झूठे प्रचार आप सुन रहा है। कैथोलिक कलीसिया से छोड़कर के आपने सबसे बड़ा नुकसान पा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त ग्रहण कर आनंद जीवन में आप प्रवेश नहीं कर पाएगा। बपतिस्मा आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर नहीं मिल रहा है, कई जगहों पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर विश्वास ही नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ईसा मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा, योहन का डुबकी का बपतिस्मा नहीं, बल्कि ईसा मसीह का मृत्यु में डूबना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो कैथोलिक कलीसिया देता है, आप उससे भी अपने को दूर कर दिया। इसके बाद पाप स्वीकार संस्कार, क्या आपके बाइबल में योहन का सुसमाचार दिया है 20 वाक्य 22 और 23 है? 22 में शिष्य लोगों को ईसा मसीह नियुक्त करता है, फूक करके पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, और वाक्य 23 में कहते हैं तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करेगा उनका पाप क्षमा हो जाएगा। क्या ईसा मसीह का इस आदेश के अनुसार आप उन प्रेरितों का, उन पुरोहितों का पास जाकर के पाप स्वीकार करते हैं? आपको पाप स्वीकार की कृपा, जब कैथोलिक कलीसिया आपको छोड़ा वो नष्ट हुआ, कितना नष्ट है आपको। इस प्रकार 7 सैक्रमेंट है, 7 सैक्रमेंट ईसा मसीह इस संसार में स्थापित किया हुआ 7 सैक्रमेंट बाइबल से, उन 7 सैक्रमेंट आपको नष्ट हुआ, संस्कारों को, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार, यूक्रिस्तीय संस्कार, विवाह संस्कार, रोगी पिलेपन संस्कार, पुरोहिताई संस्कार, ये संस्कार आपको नष्ट हुआ कैथोलिक कलीसिया से छोड़ने के कारण, विशेषकर पाप स्वीकार संस्कार, जिससे बगैर आप पवित्र नहीं बन सकता, प्रभु के पास लौट नहीं सकता। प्रभु के पास लौटने के लिए अपने पापों को स्वीकार करो करके लिखा योहन का पहला पत्र दिया 1:8-9, यदि आप कहते हैं आप पाप नहीं करता, आप अपने को धोखा देता है। यदि आप अपने अपने पापों को स्वीकार करेगा तो ईश्वर दयालु है। मैं पाप स्वीकार के बारे में 8-10 क्लास डाल चुका है, उसको भी देख लेना। पाप स्वीकार पुरोहित के पास करना जरूरी है। मैंने बोला था पिछले क्लास में, बोल दिया 3, एक ईश्वर से क्षमा मांगना, एक दूसरे से क्षमा मांगना, तीसरा पाप मुक्ति के लिए पुरोहित के पास जाकर के बोलना। ये तीनों बाइबल में लिखा हुआ है। क्या ये तीनों कार्य करता है? ईश्वर से माफी मांगता है कि नहीं, एक दूसरे से माफी मांगता है कि नहीं, इसके बाद पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार करता है कि नहीं। कैथोलिक कलीसिया को छोड़कर आपको नष्ट हुआ, आपको अभी लज्जित होने की जरूरत नहीं, पापों को आपको बोलने की ही जरूरत नहीं। स्वयं पाप करते हैं और स्वयं निर्णय करता है, स्वयं पाप करेगा
इसके बाद बोलेगा मैं यीशु को बोल दिया, हो गया। इसका मतलब उसका फासला आप स्वयं कर दिया, मैंने प्रभु को बोल दिया, हो गया। मतलब गलती कर दिया और स्वयं आप निर्णय भी किया, आप गुनाहकार भी आप है और आप उसका जज भी बन गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ईसा मसीह ने क्रूस पर से हमें अपना मां दिया। योहन से कहा, योहन ये तुम्हारी मां है। कैथोलिक की कलीसिया छोड़ने वाले लोग इस प्रकार अनाथ बन जाता है, इसलिए शैतान उन्हें छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो मां को छोड़ दिया, अनाथ बन गया। प्रभु ने कहा तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हमें मां दिया क्रूस पर से। जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 ऑनवर्स, वहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह जिसे प्यार करता था उससे उसके पास मां को देखा। ईसा मसीह जिसे प्यार करता था, ईसा मसीह को सब लोग प्यार करते हैं। अभी सवाल है, ईसा मसीह किस किस को प्यार किया? ईसा मसीह ने जिसको ज्यादा प्यार किया उसके पास मां को देकर के बोला, यह तुम्हारी मां है, और मां से कहा यह तुम्हारी बेटा है। मुझे यीशु प्यार करता है, इसलिए यीशु की मां मेरी मां बन गया, इसलिए मैं माता मरियम की बेटा बन गया। क्या आपके पास वो मां है? मेरे पास है, क्योंकि मैं कैथोलिक कलीसिया में हूं, यीशु का प्रिय हूं, इसलिए मुझे वो मां है। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 27 में 1927 में लिखा है, उस समय से उस शिष्य ने मां को अपने हाथ शरण दिया। क्या आपके पास मां है? मां है तो सब कुछ है। इसको बाद संतों की सहभागिता, प्रकाशना ग्रंथि के अंदर भी मैंने सिखाया, प्रकाशना ग्रंथि का बार बार संतों की सहभागिता। कलीसिया का मान ले केवल जीवित आज लोगों ने, जो मर गया शारीरिक से जो नहीं है उनका भी एक यूनियन है, उनका यूनिटी सहभागिता, उनके साथ उनकी मध्यस्थता आपको आज नहीं है, हमें मिलता है स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करने वाले। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, संत लोग स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना करता हुआ, संत लोगों का मध्यस्थता, संत लोगों की प्रार्थना, वो लोभान वो उसका चिन्ह के रूप में उसका धुआं उड़ता हुआ, संतों की प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग की ओर उठाता हुआ। जो व्यक्ति कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा, इस प्रकार संतों की सहभागिता या मध्यस्थता उनको नहीं मिलता। ऐसा कर करके काफी है, मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं। आंखों को बंद कीजिए। क्या आप कैथोलिक कलीसिया में या कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा? यदि आपने छोड़ा है, मैंने कम से कम 10-12 बातें बोला, आपको ये सब कुछ नष्ट हुआ, आपके पास ये नहीं है। जिस कलीसिया से आप आज जोड़ा है उस कलीसिया में इन बातें नहीं है। आप स्वर्ग राज्य को नष्ट किया। आप केवल अपने आप को बोल रहा है, मेरा उद्धार हुआ, मेरा पाप क्षमा हुआ, क्रूस से यीशु ने क्षमा किया। अपने आप को बोल रहा है, जज आप कर रहा है, पाप भी आप किया, जजमेंट भी आप कर रहा है, आपका उद्धार हुआ आप स्वयं बोलते जा रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच में उद्धार हुआ? क्या आप कलीसिया से जुड़ करके उद्धार पाया? क्या प्रभु यीशु मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करना है उद्धार पाने के लिए? प्रभु ने कहा, क्या आप उद्धार पाया? अगला क्लास में उद्धार के बारे में भी लेता हूं, कौन उद्धार पा सकता है, क्योंकि एक भाई ने, एक पास्टर ने पूछा, क्या आपने उद्धार पाया? आज कैथोलिकों के सामने इन सैतानी कलीसिया, इन पाषंडी कलीसिया पूछने वाले एक सवाल है, क्या आपने उद्धार पाया? जी हां, केवल कैथोलिक उद्धार पाया है। मैं उसका उत्तर अगला क्लास में दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय यीशु।